हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी डीप। सॉरी गाइस, आज हम इस वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गए ड्यू टू सम हेल्थ प्रॉब्लम। मैं वीडियो बना नहीं पाई, लेकिन अब मैं बना रही हूँ ताकि आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाए। तो सॉरी फॉर द डिले। हम कंटिन्यू करने से पहले आज के हाईलाइट्स देख लेते हैं। तो हमारी हाईलाइट्स है, हमारी फर्स्ट न्यूज़ है जेयर बोल्सोनारो विंस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन ब्राज़ील। ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट बने हैं जेयर बोल्सोनारो। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन गोल्फर खालिन जोशी क्लिंचेज पैनासोनिक ओपन इंडिया टाइटल। इंडियन गोल्फर हैं एक खालिन जोशी, जिनका नाम है, उन्होंने पैनासोनिक ओपन टाइटल जीता है। नेक्स्ट न्यूज है संजय कुमार मिश्रा अपॉइंटेड एज इंटरीम डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। संजय कुमार मिश्रा को इंटरिम डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है व्हील चेयर सटलर संजय कुमार विंस 2 मेडल्स एट डेनमार्क ओपन। एक पैरालंपिक्स हैं हमारे, पैरा एथलीट हैं हमारे जो सटलर है संजीव कुमार, उन्होंने डेनमार्क ओपन में 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नर्स पैनल सबमिटेड रिपोर्ट ऑन डबलिंग फार्मर्स इनकम। जो कहा गया था कि 2024 तक फार्मर्स की इनकम डबल कर दी जाएगी, उसके लिए एक जो गवर्नर पैनल बनाया गया था उसने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की है कि हम कैसे डबल कर सकते हैं फार्मर्स की इनकम को। नेक्स्ट न्यूज़ है ब्रिटिश काउंसिल अरुणाचल प्रदेश साइंड MOU ऑन एजुकेशनल कोलाबोरेशन। ब्रिटिश काउंसिल और अरुणाचल प्रदेश ने एक MOU साउंड किया है एजुकेशनल कोलाबोरेशन के लिए। सिक्स एडिशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल स्टार्टेड इन न्यू दिल्ली। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 6वां एडिशन स्टार्ट हुआ है न्यू दिल्ली में। और इसके अलावा कुछ और न्यूज़ है जिनको हम सिर्फ डिटेल में नहीं देखेंगे, बस ब्रीफ में देखेंगे, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो हम पहले न्यूज़ पढ़ लेते हैं हमारी। जेयर बोल्सोनारो विंस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन ब्राज़ील। जेयर बोल्सोनारो ने ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट बने हैं, तो वो जीते हैं 55.2% वोट से। जितने भी डले थे उनमें से 55.2% वोट मिले हैं मिस्टर बोल्सोनारो को, और जो उनके अगेंस्ट थे फर्नांडो हदाद, उनको 44.8% वोट मिले हैं। मिस्टर बोल्सोनारो कंपेन्ड ऑन अ प्रॉमिस टू एराडिकेट करप्शन एंड टू ड्राइव डाउन ब्राज़ील्स हाई क्राइम लेवल्स। जो मिस्टर बोल्सोनारो ने, उन्होंने अपने कंपेन में ये प्रॉमिस किया था कि वो करप्शन को ख़त्म कर देंगे ब्राज़ील से, और जो ब्राज़ील में जो क्राइम लेवल है बहुत ज़्यादा है उसको कम कर देंगे, ठीक है। उनका जो कैंपेन था, उनका स्लोगन था ब्राज़ील अबव एवरीथिंग गॉड अबव एवरीवन। उनका जो वोटिंग के दौरान जो उनका कैंपेन का स्लोगन था वो ये था कि ब्राज़ील अबव एवरीथिंग एंड गॉड अबव एवरीवन, ठीक है। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्रसीलिया एंड करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल। तो ये हुई हमारी फर्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी इंडियन गोल्फर खालिन जोशी क्लिंचेज पैनासोनिक ओपन इंडिया टाइटल। तो इंडियन गोल्फर हैं ये खालिन जोशी, इन्होंने पैनासोनिक ओपन इंडिया टाइटल जीत लिया है जो हुआ था दिल्ली गोल्फ क्लब में। एंड विद दिस विन जोशी बिकेम द 7th इंडियन टू विन द पैनासोनिक ओपन इंडियन टाइटल इन द लास्ट 8 एडिशंस ऑफ टूर्नामेंट। जो लास्ट 8 एडिशन हुए हैं इस टूर्नामेंट के, उसमें 7 बार इंडियन ने जीता है और ये 7th इंडियन बन गए हैं इस टाइटल को जीतने वाले, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो हिज मेडन एशियन ट्यूर टाइटल। ये उनका पहला एशियन ट्यूर टाइटल भी होगा। एंड बांग्लादेश सिद्दीकुर रहमान फिनिशेज सेकेंड बेस्ट। बांग्लादेश के सिद्दीकुर रहमान सेकेंड नंबर पर आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है IRS ऑफिसर संजय कुमार मिश्रा अपॉइंटेड एज इंटरीम डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इंटरीम क्या होता है, जहाँ भी इंटरीम वर्ड लग जाए उसका मतलब होता है कि कुछ समय के लिए उनको अपॉइंट किया गया है, जैसे 3 महीने, 6 महीने, 1 महीने, कुछ भी, जहाँ भी इंटरीम वर्ड लग जाए वहाँ पे मतलब होता है कि कुछ दिनों के लिए ये काम किया जा रहा है, ठीक है। तो इंटरीम डायरेक्टर बनाया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के संजय कुमार मिश्रा को, जो कि एक IRS ऑफिसर है, ठीक है। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल स्पेशल डायरेक्टर इन द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट।
उन्हें प्रिंसिपल स्पेशल डायरेक्टर भी अपॉइंट किया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए, एंड ही हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स और टिल फर्दर ऑर्डर। ये जो इन्हें पोस्ट मिली है इंटरीम डायरेक्टर की, वो 3 मंथ्स के लिए दी गई है और मिनिमम 3 मंथ्स है। इसके अलावा अगर कोई ऑर्डर आता है आगे इनकी पोस्ट को आगे बढ़ाने के लिए तो आगे भी जा सकता है, पर मिनिमम 3 मंथ के लिए ये रहेंगे इंटरिम डायरेक्टर। ठीक है, ही रिप्लेसेस करनाल सिंह हुज टर्म एज ईडी डायरेक्टर एंडेड ऑन 26 अक्टूबर 2018। करनाल सिंह जो पहले डायरेक्टर थे उनकी टर्म ख़त्म हो गई थी 26 अक्टूबर को, उनकी जगह इनको बनाया गया है कुछ टाइम के लिए डायरेक्टर। ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में देख लेते हैं। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 मई 1956 को, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये एक डायरेक्टरेट है जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। इट इज़ ए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो लॉ है उनको इन्फोर्स करने के लिए बनाई गई है और ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में वर्क करती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जो ईडी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किस मिनिस्ट्री में वर्क करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे तो वहाँ पर हमारा आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, और डिपार्टमेंट होगा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। मेनली ये 2 एक्ट्स पर वर्क करती है, एक है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा और एक है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 PMLA। ये दोनों फेमा तो अभी आया था, RRB क्लर्क का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये फुल फॉर्म पूछी गई थी फेमा की, और ये है PMLA। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। ये जो फेमा है, फेमा का नाम पहले फेरा था, फेरा, ठीक है, फेरा, तो फेरा है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, जो 1947 से है। ठीक है, इसका नाम बाद में चेंज करके कर दिया गया था फेमा। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट न्यूज़ हमारी, संजय मिश्रा बने हैं नए इंटरिम डायरेक्टर ऑफ ईडी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम न्यूज़। व्हीलचेयर सटलर संजीव कुमार विंस 2 गोल्ड मेडल्स एट डेनमार्क ओपन। जो पैरा एथलीट हैं, पैरा सेटलर हैं हमारे संजीव कुमार, उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं डेनमार्क ओपन में, एंड ही हैज़ वॉन 2 गोल्ड मेडल्स एंड ए ब्रॉन्ज मेडल। उन्होंने 2 गोल्ड मेडल के साथ एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। कहाँ पे हुआ है ये? डेनमार्क ओपन और डेंस डेनमार्क में। ठीक है, ही इज़ एन इंटरनेशनल पैरा सेटलर फ्रॉम पंजाब। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पंजाब से। ये बिलोंगिंग बहुत बार पूछ ली जाती है तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे पूछ लिया जाता है कि संजीव कुमार किस गेम से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम कहेंगे सटलर है वो। ठीक है, व्हीलचेयर सटलर, और कहाँ से बिलोंग करते हैं तो हम कहेंगे पंजाब से। तो ये दो चीज़ आपको 101% पता होनी चाहिए। ठीक है, ही वॉन ए गोल्ड मेडल इन द मेंस सिंगल इवेंट, ए गोल्ड मेडल इन मेंस डबल इवेंट एंड ए ब्रॉन्ज मेडल इन मिक्स डबल इवेंट। उन्होंने कैसे जीते हैं ये 3 मेडल्स? एक गोल्ड मेडल जीता है मेंस सिंगल इवेंट में, एक गोल्ड मेडल जीता है मेंस डबल इवेंट में, और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है मिक्स डबल इवेंट में। मिक्स यानी कि एक वुमेन खेली होंगी इनके साथ और एक ये खुद होंगे। ठीक है, मिक्स यानी कि दोनों खेलते हैं, मैन और वुमेन। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने 3 मेडल जीते हैं विद 2 गोल्ड मेडल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी न्यूज़। गवर्नर्स पैनल सबमिटेड अ रिपोर्ट ऑन डबलिंग फार्मर्स इनकम। एक गवर्नर का पैनल है, ठीक है, जो कि जून 2018 में जो हमारे प्रेसिडेंट है मिस्टर रामनाथ कोविंद, उन्होंने बनाया था इस पैनल को। तो उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट की है कि हम कैसे फार्मर्स की इनकम को डबल कर सकते हैं। तो पैनल ऑफ गवर्नर्स कंस्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद ने इस पैनल को कंस्टिट्यूट किया, इस पैनल को बनाया है। ठीक है, इट्स सबमिटेड इट्स रिपोर्ट अप्रोच टू एग्रीकल्चर ए होलिस्टिक ओवरव्यू ऑन अप्रोच टू एग्रीकल्चर फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम। ये जो रिपोर्ट इन्होंने दी है इसका नाम क्या है? इसका नाम है अप्रोच टू एग्रीकल्चर ए होलिस्टिक ओवरव्यू। ठीक है, याद रखना, शायद ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो रिपोर्ट सबमिट की है उस रिपोर्ट का नाम क्या है। ठीक है, तो नाम क्या है? अप्रोच टू एग्रीकल्चर ए होलिस्टिक ओवरव्यू।
तो द कमिटी हेडेड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नर राम नाईक, ये इम्पोर्टेंट है कि जो कमेटी बनी है इसके हेड कौन है, इसके हेड है उत्तर प्रदेश के गवर्नर राम नाईक, ठीक है। और इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें 21 रिकमेंडेशंस दिए हैं कि कैसे फार्मर्स की इनकम को डबल किया जा सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, ब्रिटिश काउंसिल अरुणाचल प्रदेश साइंड MOU ऑन एजुकेशनल कोलाब्रेशन। ब्रिटिश काउंसिल अरुणाचल प्रदेश ने एक MOU साउंड किया है जिसमें एजुकेशनल कोलाब्रेशन के लिए किया गया है, ठीक है। तो इसका एम क्या है, टू स्ट्रेंथन एजुकेशनल एंड कल्चरल कोऑपरेशन बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड द UK। UK और आंध्र प्रदेश के बीच में एजुकेशनल और कल्चरल कोऑपरेशन को मजबूत करना इसका एम है। वेन्यू कहाँ था, इसका वेन्यू था तवांग था, क्योंकि तवांग में एक फेस्टिवल हो रहा है, तवांग फेस्टिवल, उस दौरान ये MOU साइन किया गया है, ठीक है। साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर प्रेमा खांडू बाय ब्रिटिश काउंसिल डायरेक्टर एलन गैमेल एंड अरुणाचल प्रदेश हायर एंड टेक्निकल एजुकेशनल डायरेक्टर डॉक्टर तायक तालोम। तो जो चीफ मिनिस्टर है अरुणाचल प्रदेश के मिस्टर पेमा खांडू, उनकी प्रेजेंस में साइन किसने किया है, ब्रिटिश काउंसिल डायरेक्टर एलन गैमेल ने और अरुणाचल प्रदेश के हायर और टेक्निकल एजुकेशन डायरेक्टर डॉक्टर तायक तालोम ने इस एग्रीमेंट पर साइन किया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस MOU 70 ईयर्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू विल बी सेलिब्रेटेड। इन दोनों के बीच में 70 साल का जो रिलेशन है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा इस MOU के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट है, 50 फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऑफ द स्टेट्स वुड बी ट्रेन्ड बाय द ब्रिटिश काउंसिल एवरी ईयर स्टार्टिंग इन दिसंबर 2018। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं आंध्र प्रदेश में, उनके 50 फैकल्टी मेंबर्स को जो ब्रिटिश काउंसिल है वो हर साल ट्रेन करेगी। और ये कब से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा दिसंबर 2018 से, ठीक है। फर्दर 50 स्टूडेंट्स ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वुड ट्रेंड एनुअली बाय द ब्रिटिश काउंसिल इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अलावा जो हायर और टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके 50 स्टूडेंट्स को भी ब्रिटिश काउंसिल ट्रेन करेगा इंग्लिश लैंग्वेज में हर साल, ठीक है। इसके अलावा ये जो 50 फैकल्टी मेंबर जो चुने जाएंगे वो कैसे चुने जाएंगे, इनमें से 30 वुड बी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज। 30 कहाँ से होंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस से होंगे। 10 फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट, 10 पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट से होंगे, गवर्नमेंट की जो पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से होंगे। 8 फ्रॉम सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट, 8 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस से होंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश की गई हैं, ठीक है। और 2 फ्रॉम ऑफिसर्स ऑफ द हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, और जो 2 टीचर होंगे वो होंगे हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है। तो ऐसे 50 फैकल्टी चुने जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है, 6th एडिशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल स्टार्टेड इन न्यू दिल्ली। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है न्यू दिल्ली में, जिसका 6th एडिशन होगा, ये 6th होगा, ठीक है। जब नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, नॉर्थ की बात की जाती है तो कोई नॉर्थ कंट्री ही इसका वेन्यू होगा, तो इस बार इसका वेन्यू है न्यू दिल्ली, ठीक है। इसकी थीम थी एक्सपीरियंस द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट को एक्सपीरियंस कीजिए, ये इसकी थीम है। ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी कि डोनर, इन कोलाब्रेशन विद इंडियन इंटरनेशनल सेंटर। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, डोनर ने इंडियन इंटरनेशनल सेंटर के साथ मिलकर, ठीक है। ये जो फेस्टिवल है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, ये 28 अक्टूबर को ख़त्म हो गया था, यानी कि कल ख़त्म हो गया था। और ये जो इंडियन इंटरनेशनल सेंटर है, इसका एक फेस्टिवल होगा इंडियन इंटरनेशनल फेस्टिवल, जो कि 29 नवंबर से 3 नवंबर तक चलेगा, ठीक है। इसका फेस्टिवल ये 29 नवंबर से 3 नवंबर तक चलेगा, नहीं सॉरी, ये जो फेस्टिवल होगा ये चलेगा 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। आई एम रियली सॉरी,
इंडियन इंटरनेशनल सेंटर फेस्टिवल चलेगा 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, और नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो है वो 28 अक्टूबर को ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये जितेंद्र सिंह जो हैं ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इंडिपेंडेंट चार्जेस ऑफ डोनर, डोनर के जो मिनिस्टर हैं वो हैं जितेंद्र सिंह, इंडिपेंडेंट चार्जेस मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, जो ये थी हमारी जो हमने डिटेल में पढ़नी थी न्यूज़। इसके अलावा कुछ न्यूज़ हैं जो सिर्फ हम एक ओवरव्यू की तरह देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज इज़ ऑन अ 4-day विजिट टू कतर एंड कुवैत। जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं सुषमा स्वराज, वो 4 दिन की विजिट पर गई हैं, कहाँ, कतर और कुवैत पर। तो यहाँ पे कतर की जो कैपिटल है वो हो जाती है दोहा, और करेंसी हो जाती है रियाल। कुवैत की कैपिटल हो जाती है कुवैत सिटी, और करेंसी हो जाती है दिनार, ठीक है। कतर की कैपिटल दोहा, करेंसी रियाल, कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी और करेंसी दिनार, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर अहिका मुखर्जी हैज़ वॉन अ सिल्वर मेडल इन द अंडर 21 वुमेन्स सिंगल्स कैटेगरी ऑफ द ITTF चैलेंज बेल्जियम ओपन। ITTF क्या है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। तो जो ITTF चैलेंज हुआ है बेल्जियम ओपन, उसमें जो इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर हैं अहिका मुखर्जी, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है अंडर 21 वुमेन सिंगल कैटेगरी में, ठीक है। अहिला मुखर्जी, तो याद रखना अहिला मुखर्जी कौन से गेम से बिलोंग करती हैं, टेबल टेनिस से, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया एंड पाकिस्तान डिक्लेयर जॉइंट विनर्स ऑफ मेंस हॉकी एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी एट मस्कट इन ओमान। तो जो हॉकी चैम्पियनशिप, हॉकी एशियन चैम्पियनशिप चल रही थी मस्कट ओमान में, वहाँ पे जो फाइनल मैच था वो बहुत बारिश की वजह से, वहाँ के जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया, टूर्नामेंट के जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो दोनों टीमें हैं इंडिया और पाकिस्तान, इनको जॉइंटली एक ट्रॉफी दी जाएगी, इनको जॉइंटली विनर बनाया जाएगा। और इसके लिए जो दोनों टीमों के जो कोच थे उनसे सहमति ली गई, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान को जॉइंटली विनर घोषित कर दिया गया। और इस टूर्नामेंट में इंडिया जो है वो अनबीटन रही, मतलब एक भी टीम से नहीं हारी, तो इंडिया अनबीटन रही इस पूरे टूर्नामेंट में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, वर्ल्ड नंबर 1 सिमोना हेलिप हैज़ बिकम द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द क्रिस इवेंट वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन वर्ल्ड नंबर 1 ट्रॉफी। जो वर्ल्ड नंबर 1 है सिमोना हेलिप, वो फर्स्ट रिसिपिएंट बन गई हैं क्रिस इवेंट वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन वर्ल्ड नंबर 1 ट्रॉफी की, ठीक है। ये जो क्रिस एवर्ट वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन ट्रॉफी है, ये क्रिस एवर्ट के नाम पर दी जाती है, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड नंबर 1 बने थे, कब, 3 नवंबर 1975 को। तो उनके नाम पर ये ट्रॉफी दी जाती है। और ये जो थे क्रिस एवर्ट, ये टॉप पर रहे थे कंटिन्यू 260 वीक्स के लिए, 260 वीक्स के लिए ये टॉप पर रहे थे कंटिन्यू, तो उनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है, क्रिस एवर्ट्स वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन वर्ल्ड नंबर 1 ट्रॉफी, ठीक है। जो सिनेमा जो ये हैं सिमोना हेलिप, ये 27 इयर्स की हैं, कितनी, 27 इयर्स की हैं ये, और इन्होंने लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन एंड वर्ल्ड नंबर 1 ट्रॉफी भी जीती है, एंड नंबर वन, ठीक है, एंड वर्ल्ड नंबर 1, एंड ईयर में भी एक ट्रॉफी दी जाती है, जो लगातार दूसरी बार इन्होंने ही जीता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, बेल्जियम है सिक्योर्ड नंबर 1 स्पॉट इन द लेटेस्ट फीफाज वर्ल्ड रैंकिंग। जो अभी रिसेंटली फीफा की वर्ल्ड रैंकिंग निकाली गई है उसमें बेल्जियम ने टॉप किया है। इससे पहले फ्रांस टॉप पे था और बेल्जियम दूसरे नंबर पे आता था, लेकिन अब बेल्जियम टॉप पे चला गया है और फ्रांस नंबर 2 पे आ गया है। सिर्फ 1 पॉइंट से बेल्जियम फ्रांस से आगे है। बेल्जियम के इस टाइम पॉइंट हैं 1773 और फ्रांस के पॉइंट है 1772। तो
बेल्जियम आ गई है नंबर वन पे और फ्रांस आ गई है नंबर टू पे। नंबर थ्री पे है ब्राज़ील, नंबर फोर पे है क्रोएशिया, नंबर फाइव पे है इंग्लैंड और हमारा इंडिया है 97th प्लेस पे, ठीक है। और गिब्राल्टर जो 2016 में फीफा की मेंबर बनी थी वो अपनी बेस्ट रैंकिंग पर पहुंच गई है अब तक की, जो कि है 190, ठीक है। तो ये है वर्ल्ड कप फीफा से रिलेटेड न्यूज़। तो ये है हमारी आज की न्यूज़ गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई एम अगेन रियली वेरी सॉरी फॉर द लेट एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने रिव्यू और अपने व्यूज़ के बारे में जो भी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।